रहा है, अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा। तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम क्या लाए थे, क्या ले जाने वाले हो? ये दूसरा रास्ता है। हाँ, और इस रास्ते पर हमको भटकाने वाले 10-20 नहीं है, सैकड़ों लोग हैं, रोज आते हैं और माला पकड़ा देते हैं कि राम 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 राम, राधे 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 राधे, राम 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 राम, राधे राधे, बस यही करो, देश तो ठीक हो जाएगा। और ज्यादा उनसे तर्क करो तो कहने लगे, तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम क्या लाए थे, क्या ले जाओगे? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, देश लुट रहा है अच्छा हो रहा है, आगे लुटेगा और अच्छा होगा। वो हमको समझाते हैं। और इसी को धर्म कहते हैं, इसी को धर्म कहते हैं। और आजकल धर्म के व्यापार करने वालों की बाढ़ आई हुई है। हाँ, बहुत बड़ी फौज खड़ी हुई है उनकी। एक आया राम की कथा कहेगा, 10 करोड़ लेके जाएगा, दूसरा कृष्ण की कथा कहेगा, वो 15 करोड़ लेके जाएगा। और आप जैसे भोले भाले मूर्ख लोग डालते हैं उनके पात्रों में, ले जा भाई, ये बापू नहीं है, डाकू है। बापू नाम तो शर्म आती है कहते हुए। कहीं से 10 करोड़ लूटो, कहीं से 20 करोड़, कहीं से 25 करोड़। और आप लोगों की मजबूरी है कि काले धन का करें क्या, इनकम टैक्स वाले पकड़ते हैं तो ये बापुओं को देते रहते हो आप, क्या करें उसका। और ये बापू लोग हमें सिखाते रहते हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, वाह वाह। मैंने देखा है क्या क्या पाखंड और नौटंकी चलता है। भगवान राम की कथा कहने आते और भगवान राम की जिंदगी के वो प्रसंग कभी नहीं सुनाते जो हम में वीरता पैदा करें, जो साहस पैदा करें। राम की जिंदगी में बहुत सारा हिस्सा साहस का है, वीरता का है। जब 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए राम, तो हमको सुनाई जाती है राम की जो कथा ना, उसमें कहते हैं राम ने 14 साल एक ही काम किया, हाय सीते हे सीते, हाय सीते हे सीते, हाय सीते, ये सुनाते हैं हमको। हाँ, यही सुनाते हैं निकाल के कहानी में से। और मैं कहता हूं कि राम को अगर हाय सीते हे सीते हाय सीते यही करना था 14 साल, तो दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लिया? सैकड़ों राजा तैयार थे अपनी राजकुमारियों को राम को देने के लिए, वो तो कर लेते दूसरा विवाह, क्योंकि हाय सीते हे सीते, हाय सीते हे सीते, एक स्त्री के लिए अगर वो इतने ही बिलख रहे थे, तड़प रहे थे, दूसरा विवाह कर लेते तो ये सब चुप हो जाते हैं, फिर बात नहीं करते। फिर मैं उनको रामायण में से निकाल के दिखाता हूं, देखो राम ने हे सीते हाय सीते कहा नहीं कहा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन 14 साल वन में रहते हुए सैकड़ों राक्षसों का संहार किया उन्होंने, मारा उनको और धर्म राज्य की स्थापना कराई। ये कहानी नहीं सुनाते क्योंकि इससे वीरता पैदा होती है। तो राम का जो वीरत्व है वो नहीं सुनाएंगे आपको, उनकी जो कमजोरियां हैं वो सुनाते हैं आपको। और राम कथा जब वर्णन की जाती है तो मंच पे बैठ के आहा कैसे आंसू ढलल ढलल आंसू निकलेंगे, आपको भी रुलाएंगे, खुद भी रोएंगे। किस बात के लिए? हो, राम को वन गमन में इतना कष्ट हो रहा है, वन में इतनी तकलीफें हो रही हैं, तो राम की तकलीफों का वर्णन कर रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। और ये सारा वर्णन एयर कंडीशन्ड मंच पर बैठकर होता है, अपने को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, राम की तकलीफों का वर्णन कर, एयर कंडीशन मंच चाहिए, एयर कंडीशन घर चाहिए रहने के लिए, एयर कंडीशन कार चाहिए और चार्टेड प्लेन चाहिए आने और जाने के लिए, तब राम की कथा सुनाई जाएगी। जो राम जिंदगी भर पैदल चलते रहे, जिन्होंने अपना रथ भी छोड़ दिया था अयोध्या से निकलते समय, वो राम ने जिंदगी भर पैदल चल के काम किया और यहां एयर कंडीशन कारों में घूम घूम कर, चार्टेड प्लेन में घूम घूम कर राम की कथा सुनाते हैं। वो कथा वथा नहीं है, वो उद्योग है, व्यापार है, बिना टैक्स का। और मुझे बहुत शर्म है ये कहते हुए, समय आने पर प्रमाण से बात करूंगा
कि राम कथा कहने वाले ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के काम में लगे हुए एजेंट हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और मुझे इससे भी बड़ी शर्म आती है कहते हुए कि आप जो उनको दे रहे हैं दान के रूप में, वो पैसा ब्याज पर उठा रहे हैं वो दूसरे लोगों को, और आपके दिए हुए पैसे से धंधा बना रहे हैं अपना। फिर ऐसे कृष्ण की कथा कहने वाले आ जाते हैं, कहते राधे 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 और कुछ कहो ही मत, राधे राधे। कंस को मारा, जरासंध को मारा, शिशुपाल को मारा, अधर्मियों को मारा, ये सब थोड़े में, राधे 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 बड़े में। हाँ, क्योंकि आपको कायर बनाना है ना, निर्वीर बनाना है, नपुंसक बनाना है, तो वीरता की कहानी क्यों सुनानी है? तो चुन चुन कर ऐसी कहानियां सुनाते हैं। और मैं आपको बहुत गंभीर बात कह रहा हूं कि ये सारे हमारे देश में जो पाखंडी लोग हैं ना, राम और कृष्ण की कथा कहने वाले, ये सरकारों के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि सरकारों ने इनको एक कान में मंत्र फूंका है, तुम लोगों का ध्यान इस तरफ भटकाते रहो ताकि कोई महंगाई के खिलाफ ना लड़े, गरीबी के खिलाफ ना लड़े, बेरोजगारी के खिलाफ ना लड़े, अत्याचार के खिलाफ ना लड़े। वो डूबा रहे राधे 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 राम 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 राम, बस इसी में। और समझाते रहो तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा। एक रास्ता ये है। अब दो रास्ते हैं अपने सामने, एक रास्ता भगत सिंह का, ऊधम सिंह का, चंद्रशेखर का, एक रास्ता हमारे ये धर्म गुरुओं का, पाखंडियों का, जो राम की कथा कृष्ण की कथा। मुझे बहुत ऑफर आए हैं, मैं आपको दिल का दर्द बता रहा हूं, सच में कह रहा हूं, आपसे नाम नहीं लेता। मुझे ऑफर आए कि तुम कहां बेकार भटक रहे हो, मेरे साथ आ जाओ। मैंने कहा बापूजी क्या होगा उसमें, तो कहने लगे जितना मिलता है वो डबल हो जाएगा। मैं बोलना कैसे, तो उन्होंने कहा तुम्हारी वाणी में बहुत जोर है और मेरे पास लोगों की भीड़ इकट्ठा करने का, मजमा लगाने का तरीका है। मैं ऐसा डमरू बजाता हूं कि सब इकट्ठे होते हैं और तुम्हारी वाणी में जोर बहुत है, मिलके लूटेंगे, थोड़ा तुम्हारा थोड़ा मेरा, ऐसे खुले ऑफर है मेरे पास। और मैं कहता हूं बापूजी माफ करो। क्यों? कहते तुम्हें पैसे नहीं चाहिए। मैंने कहा पैसे ही चाहिए होते तो बहुत रास्ते हैं मेरे पास, यही एक बचा है। पैसे ही कमाने हैं तो बहुत रास्ते हैं, ये एक रास्ता थोड़ी है, बहुत तरीके हैं पैसे कमा लूं, घर बना लूं, बीवी बच्चे ले आऊं, करोड़पति हो जाऊं, 10 करोड़पति हो जाऊं, 100 करोड़पति हो जाऊं, बहुत आसान काम है ये तो। थोड़ी चालाकी हो तो सैकड़ों करोड़ बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है इस देश में। फिर अंत में तो वही होगा ना, सैकड़ों करोड़ हो गए, एक दिन डायबिटीज होगी, एक दिन अर्थराइटिस होगा, एक दिन हार्ट अटैक आएगा, मैं मरने ही वाला हूं, तो मरना तो है ही, वहां भी शायद जल्दी मरूं, क्योंकि जब शरीर में तामस वृत्ति आती है ना तो जल्दी मरता है आदमी। जब तक सात्विक रहता है तब तक थोड़ा दम रहता है, तो तामस वृत्ति आएगी, मरना मुझे वहां भी है, तो क्यों ना इस रास्ते पे चल के मरूं जहां सात्विक वृत्ति भी है, मरना है ये तो पक्का ही है, जिंदा तो कोई रहेगा नहीं। तो भगत सिंह का रास्ता क्या बुरा, ऊधम सिंह का रास्ता क्या बुरा, चंद्रशेखर का रास्ता क्या बुरा, कुछ करके मरो ना। मरेंगे ये सब भी, साधु संत पाखंडी, राम की कथा सुनाते सुनाते हार्ट अटैक आएगा, मरेंगे वो भी। डायबिटीज सबको हो रखी है, मैंने देखा है नजदीक से जाके, सब इंसुलिन लगाते हैं, खाते हैं गोलियां, अपनी डायबिटीज नहीं मिटा पाते, दूसरों को उपदेश देते फिरते। प्राणायाम बाबा रामदेव ने सिखाया ऐसा नहीं है, ये तो 5000 साल पहले पतंजलि ऋषि सिखा के गए सबको। नहीं, मैं दूसरी बात, आपने जो बात है वो ठीक से समझी नहीं। बाबा रामदेव जब पुणे आते हैं ना तो 1 कोटी रुपए लेके जाते हैं। मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, पतंजलि ऋषि ने ये ज्ञान फोकट में दिया था, किसी से पैसा नहीं लिया था। नहीं, ऐसा नहीं है, ज्ञान तो फोकट में ही देना चाहिए। कि ज्ञान को बेचना शुरू कर दिया तो उसकी कीमत थोड़े दिन में खत्म हो जाती है। कि फायदा हो रहा है उससे भी ज्यादा हो सकता है, कि वही प्राणायाम मैं आपको फोकट में सिखा सकता हूँ, सबको मिलेगा।
आप अगर रामदेव जी के रास्ते पे जाएंगे तो खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि गांव गांव आप योग प्राणायाम पैसा लेके सिखाएंगे तो बहुत तकलीफ आएगी। कोई भी संत ने, भैया सुनो, कोई भी संत ने पैसा इकट्ठा नहीं किया, और जो पैसा इकट्ठा करता है वो संत नहीं होता। हमारे देश में संत की परिभाषा है कि जो तीन ऐषणाओं से मुक्त है, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा, तीन ऐषणाएं होती हैं। ऐषणाएं माने लालच। पुत्र का लालच जिसको है वो संत नहीं है, पैसे का लालच जिसको है वो भी संत नहीं है, और नाम सम्मान मिले उसका लालच है वो तो बहुत ही खतरनाक है, वो बिल्कुल संत नहीं है। तो आज के जो संत हैं वो कोई भी हो, बाबा रामदेव मेरे दोस्त हैं, फिर भी मैं उनको ये कहता हूं कि आप संत तो बिल्कुल नहीं है, आप योग प्राणायाम का व्यापार करने वाले व्यापारी हैं। जिस दिन आप निःशुल्क शिविर लेंगे उस दिन हम कहेंगे कि आप संत हैं, क्योंकि आपने जिस गुरु से सीखा उसने कोई शुल्क नहीं लिया, तो आप कैसे शुल्क ले रहे हैं किसी ज्ञान के लिए? ये तो ज्ञान को बेचना हुआ, और ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। भारत में कोई भी संत को पैसा लेना ये बहुत बड़ा पाप है। संत के लिए तो है कि पैसे को छूना भी नहीं, क्योंकि उससे ऐषणा पैदा होती है, लालच, और उनका लालच पता है कितना बड़ा है। 100 कोटि इकट्ठा किया, अभी पेट नहीं भरा, अब कहते 1000 कोटि इकट्ठा करूंगा। पहले जब वो निकले थे योग प्राणायाम सिखाने तो कहते थे 100 कोटि आएगा तो बस, अब 100 कोटि से बहुत जास्ती आ गया, 600 कोटि आ गया, अब कहते 1000 कोटि आएगा तो बस। तो टाटा बिरला और रामदेव में अब क्या अंतर है? जबकि पतंजलि ऋषि ने योग प्राणायाम को बताया कि ये जीवन की सबसे आवश्यक ज्ञान है, इसलिए निःशुल्क मिलना चाहिए सबको, और उन्होंने उसका बिक्री शुरू कर दिया। अब पुणे में कोई गरीब आदमी कैसे सीखेगा योग प्राणायाम? वो तो 2500 रूपये की टिकट नहीं ले सकता, 5000 रूपये की, लेकिन बीमारी तो उसको भी है, बीमारी कोटिपति को भी है, गरीब को भी है, तो गरीब तो बीमारी से बाहर निकलेगा ही नहीं कभी। तो संत की परिभाषा जो है, जो तीन ऐषणाओं से मुक्त है, लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, पैसे का लालच नहीं, घर परिवार का लालच नहीं, और मान सम्मान का लालच नहीं, वो संत होता है। अब ढूंढो कौन है संत ऐसा? बाबा सातारकर है क्या? मैं एक बार गया, मैंने कहा हमारे यहाँ भजन कीर्तन करने का, वो 50,000 रूपये पहले लाओ फिर डेट मिलेगी। मैंने कहा अरे आपको तो संत कहते हैं, तो उनका जो कहते हैं सो कहते हैं, 50,000 पहले लाओ उसके बाद डेट मिलेगी, वो 3 महीने बाद 6 महीने बाद। तो मैंने तो उसी दिन से छोड़ दिया कि ये तो कोई संत नहीं है, ये सब धंधा करने के लिए निकले हैं, किसी को 50,000 लेना, किसी को 25,000, किसी को 10,000, किसी को 5,000। कोई अपनी सदिच्छा से दे वो बात अलग है, भावना से दे। आपने रेट फिक्स कर दिया 50,000 चाहिए, 25,000 चाहिए, 15,000 चाहिए, ये तो हाँ आसाराम बापू का 5 लाख रुपए, उनका रेट 5 लाख रुपए, आप बुलाओ उनको, 5 लाख से कम पे नहीं आते। और उसके बाद एसी गाड़ी चाहिए, नया घर चाहिए, हेयर जो हवाई जहाज का टिकट चाहिए वो सब अलग चाहिए, फिर उनके जो चेले चंगाटे आएंगे उनके लिए अलग से चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि ये देश की सेवा नहीं, अपनी सेवा करा रहे, पैसा इकट्ठा कर करके लेके जा रहे हैं, कोई हरिद्वार लेके जा रहा है, कोई अहमदाबाद लेके जा रहा है, परदेशी कंपनी लूट के परदेश लेके जा रही है, ये हमारे गांव से लूट के अपने गांव लेके जा रहे हैं। और वो कहते हैं हरिद्वार में आश्रम बना रहे हैं, तो आश्रम 1000 कोटि में बनता है क्या? और जहां आश्रम बनाना है वो उसका भी नियम है, भारत के शास्त्रों में सब नियम है। जैसे आपने पुणे से पैसा इकट्ठा किया तो आश्रम पुणे में ही बनना चाहिए, हरिद्वार में क्यों बनना चाहिए? क्योंकि जिन्होंने पैसा दिया उनको क्या लाभ मिलेगा आपके आश्रम का? अब पुणे वाले कोटि रुपए 2 बार दे चुके हैं रामदेव जी को, और उनको बीमारी आएगी तो हरिद्वार जाए, फिर वहां से ठीक करा के लाए अपने को, ये तो बहुत खतरनाक धंधा है भाई, इसमें संतपना कुछ नहीं है, ये शुद्ध व्यवसाय है। किसी ने योग प्राणायाम का चालू कर दिया, किसी ने भगवान राम का व्यवसाय शुरू कर दिया, राम कथा कह रहे हैं 5 लाख रुपए की, कृष्ण कथा कह रहे हैं 5 लाख रुपए की, ज्ञानेश्वरी की कथा कह रहे हैं 5 लाख रुपए की, ये सब धंधेबाज लोग हैं, इनमें कौन संत है बताओ ना आप? हाँ वो ठीक है, तो वही मैं कहना चाहता था आपसे, आपको मैं समझाना चाहता हूं कि संत की परिभाषा जो है
जो पैसे से कुछ मोह नहीं रखता हो, जिसको मान सम्मान की प्रतिष्ठा की चिंता ना हो और जिसको कभी परिवार की ऐष्णा ना हो, बीवी होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, वो संत है। तीन लालच से मुक्त है, वो संत है, भले वो पढ़ा लिखा है नहीं पढ़ा लिखा है। तो इस परिभाषा पे आप कस कर देखो कौन संत है कौन नहीं है। जिसका टीवी में जाहिरात जाती है वो संत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कोई गांव का साधारण व्यक्ति बड़ा संत हो, रामदेव जी से ऊंचा संत हो, सामान्य व्यक्ति। तो मैंने जो कहा है ना, बहुत सोच समझ के कहा, और इन सबको मैंने बहुत अंदर से देखा है 15 साल, तब मैंने तय किया कि मैं भगवान ही धारण करूंगा। इनको देखने के बाद मैंने तय किया, नहीं तो मैं भी कर सकता हूं, करोड़ों रुपए कमा सकता हूं, फिर आपको मेरा व्याख्यान सुनने के लिए टिकट लेनी पड़ेगी, 500 रुपए टिकट दो, 1000 रुपए टिकट दो, फिर मैं कहूंगा एक गुरुकुल बनाता हूं उसके लिए पैसा लगेगा। तो बहाने तो 50 है पैसा इकट्ठा करने के, उसकी तो कोई कमी नहीं है। लेकिन वास्तविकता जो संत की है, मैंने भारत में घूम के देखा है, थोड़े बहुत संत हैं, मुश्किल से 4-5 पूरे भारत, मुश्किल से। नाम बताऊं, एक तो बहुत अच्छे व्यक्ति अभी स्वर्गवासी हुए, उनका नाम था राम सुखदास, राम सुखदास जी महाराज ऋषिकेश में थे, वो सच में संत थे, पैसे से कुछ लेना देना नहीं, मान सम्मान का कोई प्रश्न ही नहीं और कोई पुत्रेष्णा नहीं, वो तो एक थे। एक अभी दक्षिण में है, जीवित है, वो कभी आपने अगर उनका प्रवचन सुना है, ये जो उत्तर कर्नाटक है ना, उत्तर कर्नाटक, उत्तर कर्नाटक में ये धारवाड़ हुगली बेलगाम इस एरिया में उनका बहुत महत्व है, श्री सिद्धेश्वर स्वामी, उनको पैसे से कुछ लेना देना नहीं, और इतने निरपेक्ष आदमी है कि उनका जो वस्त्र है ना उसमें जेब भी नहीं है। वो कहते हैं जेब लगाना तो ऐष्णा आएगी, जेब भी नहीं लगाना, ना ऊपर ना नीचे कहीं नहीं, हाँ जेब ही नहीं है, कुर्ते में जेब नहीं और पजामे में जेब हो सकती है तो पहनते ही नहीं, लुंगी पहनते, उनको कुछ पैसे से लेना देना नहीं, और सिर्फ पैसे से ही नहीं मान सम्मान से भी लेना देना नहीं। कोई टीवी पे नहीं आते, कोई अखबार में इंटरव्यू नहीं करते, लेकिन जब उनके व्याख्यान होते हैं ना तो हजारों लोग आते हैं, और वो सवेरे 3 बजे व्याख्यान करें तो हजारों लोग 3 बजे आते हैं सुनने के लिए, और जब व्याख्यान करें तो इतना धीमे बोलते हैं कि अगर थोड़ा भी हल्ला गुल्ला हुआ तो आप सुन नहीं सकते, इसलिए पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है। वो एक संत है, ये बड़े स्तर के, छोटे स्तर के और भी बहुत सारे संत हैं, गांव गांव में हैं,